हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर और हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स संविधान के, ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, उसी सीरीज में हमने देख लिए थे आर्टिकल वन एंड आर्टिकल टू। आर्टिकल वन है भारत एक संघ है राज्यों का, ठीक है, और आर्टिकल टू में संसद को जो शक्तियां दी गई है कि वो नए राज्य की स्थापना या गठन कर सकती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम आर्टिकल थ्री के आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज का वीडियो आगे बढ़ाने के पहले आप सीएससी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर्टिकल थ्री यानी कि अनुच्छेद तीन। अनुच्छेद तीन में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या नामों में परिवर्तन। तो अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्य के क्षेत्र में या नामों में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए कहाँ प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल तीन में। ठीक है, समय समय पर राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है। कोई सा क्षेत्र किसी और राज्य को दिया जाता है, ठीक है, नाम में परिवर्तन होता रहता है, जैसे ओडिशा से ओडिशा, ठीक है, ऐसे नाम में परिवर्तन भी होते रहते हैं और साथ में नए राज्यों का निर्माण भी होता है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर तथा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, अगर कोई टू जैसे कि कोई दो पड़ोसी स्टेट्स है या राज्य है, उनके ऐसे क्षेत्र हैं जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे कि ठीक है, आपकी सीमा से जो राज्य क्षेत्र हमारा लग रहा है वह आप ले लो और आपकी सीमा में जो राज्य क्षेत्र हमारा है वह हमें दे दो। इस प्रकार राज्य क्षेत्र में परिवर्तन होता है, ठीक है, या राज्य से कुछ भाग अलग करके, जैसे कि कोई सा बड़ा सा राज्य है उसको आधा करके, ठीक है, जैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से चेंजेस करके एक नया राज्य बना दिया जाता है। ठीक है, तो यह पावर्स किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद के पास कौन सा पावर है? किसी राज्य का क्षेत्र बड़ा सकेगी, ठीक है, अगर लगे कि राज्य का क्षेत्र बड़ा करना है बड़ा कर सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी जैसा कि समय समय पर होता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, और ये सारे पावर्स किसके पास है? संसद के पास। ये आर्टिकल आपका थर्ड, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल फोर। आर्टिकल फोर में क्या है हम देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद चार में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद दो तथा तीन के तहत नए राज्यों का गठन या उनके प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नाम में या क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, या सीमाओं में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए साधारण विधेयक की तरह ही साधारण बहुमत द्वारा कानून पारित किया जा सकता है। अब हमने देखा आर्टिकल टू एंड आर्टिकल थ्री यह किससे संबंधित है, तो नए राज्यों का निर्माण, उनके राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन। ठीक है, ये अगर यह सारे परिवर्तन करने हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए एक साधारण विधेयक लाइए आप संसद में, उसे साधारण बहुमत से पास होना है। ठीक है, साधारण बहुमत से अगर वह विधेयक पारित हो जाता है तो यह आपके नाम में राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन और नए राज्य का निर्माण या गठन हो जाएगा। इसके लिए किसी विशेष संविधान संशोधन अधिनियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि नए राज्य के निर्माण के लिए, राज्यों के नामों में परिवर्तन के लिए, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए या उनकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज नीचे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हम देख रहे थे कि कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसके साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर वीकेंड पे एक साथ सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे अनुच्छेद चार यानी आर्टिकल फोर में और क्या है। भारतीय संविधान के तहत नए राज्यों का गठन, सीमा क्षेत्र तथा नामों में परिवर्तन तथा अर्जित करने का उपाय बंद किया गया है, परंतु भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या उसे अंतरित करने का कोई उपबंध नहीं है। तो यह प्रावधान कहाँ है? आपके आर्टिकल फोर में। अब राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उद्भव कैसा हुआ? ठीक है, हम जानते हैं कि 1947 में हमको आजादी मिली है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उसके बाद अलग अलग राज्य बने, संघ शासित प्रदेश भी बने, तो इनका उद्भव और इनकी क्या प्रक्रिया रही है? ठीक है, कैसे विकास होते गया, राज्य बढ़ते गए, केंद्र शासित प्रदेश बढ़ते गए और वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है, ठीक है, भारत में।
स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभक्त था। कहाँ की बात है यह? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यानी 1947 के पहले से भारतीय राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभक्त था। कौन सा? ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासतें। ठीक है, भारत को भारत था। ठीक है, तो कौन से दो पार्ट में था? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें एग्जिस्ट करती थी 1947 के पहले। ठीक है, अब 552 यानी कि 552 देशी रियासतें थी भारत में। ठीक है, भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 रियासतें भारत में आसानी से शामिल हो गई। अब चूंकि भारत एक संघ है, भारत को आजादी मिल चुकी है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ बन रहा है, तो अब क्या होगा कि इन रियासतों को भी शामिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह रियासतें कहाँ है? भारत की भौगोलिक सीमा में है। ठीक है, तो जो 552 टोटल रियासतें थी, ध्यान रखिए यह प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें से 549 रियासतें ऐसी थी जो आसानी से भारत संघ में खुश शामिल हो गई, लेकिन तीन रियासतें कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर। कौन सी है? जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इन तीनों को कैसे मिलाया हम देखते हैं। ठीक है, विभाजन के उपरांत क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो अलग स्वतंत्र देश हो गए। ठीक है, इन देशों का निर्माण हुआ था। ठीक है, देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए। कौन सा? जो देशी रियासतें थी उनको तीन विकल्प दिए गए। क्या था ये विकल्प किसने दिए थे? कि आप अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे। क्या था कि पहला भारत में सम्मिलित हो, ठीक है, दूसरा आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और थर्ड आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं कि आपकी अपनी इंडिपेंडेंट रियासत होगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब भारत एक संघ है, भारत के पास अब पावर्स है, तो भारत की भौगोलिक सीमा में ये रियासतें एग्जिस्ट करती है। तो अगर कोई सीमा हम मान ले कि भारत के बहुत इंटीरियर क्षेत्र में है, रीजन में है, लेकिन वह क्या चाहती है कि या तो हम पाकिस्तान के साथ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, या फिर वह मान ले कि हम भारत के अंदर रहते हुए स्वतंत्र रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि इन रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, और फाइनली इन रियासतों को भी भारत संघ में शामिल कर लिया गया। तो कैसे शामिल किया जाता है कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्या किया गया कि जो जूनागढ़ रियासत थी उसे पुलिस कार्रवाई द्वारा, अब ये तीन रियासतें थी जो भारत के साथ नहीं आना चाहती थी। ठीक है, इनके अपने रीजंस थे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यह क्या था कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये भारत संघ में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि यह तीनों रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर है। ठीक है, तो अब भारत में रहकर इनका पाकिस्तान के साथ जाना या स्वतंत्र रहना यह पॉसिबल नहीं था, इसलिए इनको भारत संघ में होना ही था। तो क्या किया गया कि जूनागढ़ रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, हैदराबाद को ठीक है, 1 मिनट, पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल कर लिया गया। इसके लिए एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए, और जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया? भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसके बाद यह तीन रियासतें भारत संघ में शामिल हो गई। मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण, तो जो संविधान है उसमें भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ था? मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को चार प्रकार के राज्य में बांटा गया था। ठीक है, चार भाग थे, उनमें विभिन्न राज्यों को, डिफरेंट स्टेट्स को बांटा गया था। तो कौन कौन से भाग थे? भाग क, भाग ख, भाग घ एवं भाग घ। ठीक है, ये चार पार्ट्स थे, इनमें विभिन्न राज्यों को डिवाइड किया गया था। ठीक है, और चार श्रेणियों में कुल कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। कब की बात है? यह 1949 की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने देखा, अगर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ में लाइक भी करें। इसके साथ सीएससी यानी कि द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप विजिटिंग सीएससी एंड थैंक यू वेरी मच।